महिलाएं नहीं है सुरक्षित, प्रदेश सरकार भले ही महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के लाख दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दास्तां बयां करती है। आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार जैसे मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में प्रदेश सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आती है। ताजा मामला पानीपत के गाँव बिंझोल का है, जहाँ एक विधवा महिला छेड़छाड़ का शिकार हुई है। यह हैवानियत विधवा महिला के जेठ व ससुर द्वारा की गई है। जिस वक्त महिला घर पर अकेली थी, उसी समय महिला का जेठ व ससुर घर में बदनीति से घुसे और महिला के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। महिला के विरोध करने पर उस पर लाठी से हमला किया गया, जिससे महिला के सिर में चोट आई है। छेड़छाड़ के दौरान महिला के कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं। पीड़ित विधवा महिला का ससुर महिला से नाजायज संबंध बनाना चाहता है और महिला का आरोप है कि उसका ससुर व जेठ उस पर गलत नज़र रखते हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसी हरकत कर चुके हैं, लेकिन समाज में बेइज्जती ना हो इसके डर से महिला ने पुलिस में शिकायत नहीं दी थी, लेकिन अब बर्दाश्त की हद हो चुकी है, जिसके चलते महिला ने अपने जेठ व ससुर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। जैसे कि अब 10-12 साल से जब मेरे साथ हाथापाई करता है मेरा जेठ, मेरा ससुरा और मेरी जिठानी भी उनके साथ है, और मेरे को सुखा टुकड़ा नहीं खाने देते, रोज पिटाई करा। ना किसी को बोलती हूँ तो बोलते हैं कि हम तुझे जान तो मार देंगे, तने बार हमारी बात कही तो। और मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है कम से कम 12 साल पहले। मेरा लड़का 1 महीने का था, मेरी गुड़िया 1 साल की थी, और फिर बोलता है कि मेरे कहने में चलेगी तो तुझे रात गद्दी बैठ दूंगा, नहीं तो मेरे कहने में नहीं चलेगी तो तुझे घर तो पार कर दूंगा। बेइज्जती पे उतरी आया मेरे, देखे मैं इतने साल हो गए मैं भुगतने लग रही, मेरे कपड़े सारे फाड़ रखे, आज मेरा तक हाथ में तोड़ दिया कपड़े फाड़ रखे, देखो देख क्या हाल बन रखे मेरा, मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ मैं। वो नु कह मेरी बन के रह, कौन मेरा ससुरा मेरा जेठ और मेरी जिठानी, तीनों एक जैसे हैं वे। जिठानी सारे मिला ससुरे नागा कर दे, आपको पीछे हो जाए अब इस तरह क्या करेगी यार। कहें तो बेइज्जती हो जाएगी, तुम मत बताइए घर की बात है यार। लठ इतना मोटा, लठ था इतना लंबा, इतना मोटा लते फाड़ दिए मेरे। कोई भी नहीं, आज संगत था सब जा रहे थे बाहर, कोई भी नहीं था, बालक भी गली में खेल रहे, मैं तो खेली पकड़ी उन्होंने। 13-14 साल हो गए मैं भुगतान लगी, मैंने सोचा चल सुन जगह तो बुढ़ा समझ जाएंगे, नहीं समझते पापू बेटा सारे एक से हो रहे हैं। कंप्लेंट दे मुझे करा कह रहे घर की बात दवाते थे, फिर चुपचाप हो जाऊँ थी मगर बेचती खिंडेगी बन लगे वही बाग आगे और भी ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा मेरे पीछा लग गए। अनुके तरह कोई नहीं किस्त करेगी, अनुके तरह कोई नहीं किस्त करेगी। मैं अकेली थी और रणदू राम इसका ससुर और इसका जेठ रामकरण दोनों घर में डंडे और चक्कू के साथ घुसे और इसके साथ हाथापाई करने की कोशिश करी। जब इन्होंने अपना बचाव करना चाहा तो भागने की कोशिश करी, तो इसके साथ डंडे मारे, इसके हाथ तोड़ रखे हैं और सर में चोट आई हुई है। अब इसके साथ पहले भी कई बार ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर चुके हैं, कपड़े भी फाड़ दिए इसके और छेड़छाड़ भी की ज़बरदस्ती, मतलब पकड़ने की बाज करके पकड़ने की कोशिश करी थी। जब ये छटवा के बाजी तो जब इसके साथ लट्ठी लुट्ठी या चक्कू वगैरह मारने की कोशिश करी, फिर ये बच के बाहर गली में आई, जब लोगों ने शोर मचाया जब इन्होंने पकड़ा। क्यों करते हो? उस टाइम कोई नहीं था, क्यों? वो इसको अपनी बनाना चाह, मतलब इसके साथ गंदा व्यवहार करना चाहते हैं। हमारी सरकार कहती है कि भाई लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, लेकिन हमारी सर जो हमारी जनरेशन है वही ऐसे काम कर रही है, जब ससुर बाप के समान है वही ऐसे गंदे काम कर रहे हैं, तो क्या होगा। इसके 2 बच्चे हैं और सास के साथ रहती है, एक बच्चा गूंगा है बोलता नहीं, और एक लड़की है 13-14 साल की। ऐसा है जी, 15-16 साल से शादी हुई है हमारी बहन की यहाँ से पिंजल गाँव में। आज एक सुबह हम तो अपने मैं दिल्ली के लिए तैयार हो रहा था, घर फोन गया आगे ऐसे से बात होगी, मैं दिल्ली से वापस आया और बताना सुबह इसके साथ हफ्ता पाएगी, घर में कोई नहीं था। पर कुल मिला के हमें इतना पता है कि उसकी नीतियाँ खराब हैं, तो ये यहाँ तक बढ़ती बढ़ती है कि भाई कोई इसके घर परिवार में कोई कुछ कहते नहीं, हम लोग कहते बेटे कोई बात नहीं हो जाएगा रोड़ा रड़ा होगा, कोई बात नहीं रोड़ा रड़ा हो जाएगा। तो अब उसकी जो है ज़्यादा ही मतलब काबिज हो गया, वो इसका कोई साथी नहीं है या कोई कहने वाला नहीं है, अब इसके साथ जबरदस्ती करने के बाद अपने अंडर में करना चाहते हैं, भाई तुम हमारे अंडर में हो हम तुम्हें सब कुछ देंगे। तस्दीक करेंगे महिला हेड कॉन्स्टेबल को बुलाए, आरोप लगाएंगे अपनी जिठानी का आरोप लगाएंगे। लेते हैं कि पारिवारिक बात है, जो दुकान दुकान पर इनका आपस में झगड़ा चल रहा है, तो हर जो जैसी दरखास्त के अनुसार होगी कार्रवाई लाई जाएगी, वहाँ तस्दीक करी जाएगी, जो सच्चाई होगी वैसी कार्रवाई।